नमस्कार, आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज यूपी पर। आज के मुख्य समाचार, मेरे साथ देखिए यह खबर। किसानों का विरोध प्रदर्शन, बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के ग्राम पालकी के खेतों में किसानों का विरोध प्रदर्शन। पालकी के किसान ने बताया कि हमारी गन्ने की फसल अन्य गांव का व्यक्ति काटकर ट्रैक्टर ट्राली में लेकर जा रहा है। विरोध करने पर उन्होंने बताया कि आपकी फसल की नीलामी हो चुकी है पर कोई कागज नहीं दिखा रहा है। इसी को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला और मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया, उच्च अधिकारियों से कार्यवाही की मांग की है। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के ग्राम पालकी के किसान रोहित कुमार, भूपेंद्र कुमार, आशा देवी, चंद्रपाल अन्य किसानों ने बताया कि उनकी लगभग 180 बीघा जमीन में गन्ने की फसल खड़ी है, जिसको दूसरे गांव हादकपुर निवासी विकास कुमार गन्ने की फसल को काटकर ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जा रहा है, जिसमें किसानों ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और उच्च अधिकारियों से कार्यवाही की मांग की है। वही विकास कुमार ने बताया, मैंने तहसील धामपुर द्वारा 175 बीघा जमीन की फसल नीलामी में 16,05,000 रुपये में खरीदी है, पर विकास कुमार ने कोई भी कागज तहसील द्वारा जारी किया हुआ नहीं दिखाया, जिससे किसानों में आक्रोश है। मौके पर पहुंचकर किसानों ने इसका विरोध किया और बताया कि तहसील द्वारा या उच्च अधिकारी द्वारा हमें कोई भी नोटिस इसके संबंध में नहीं दिया गया है। बाइट रोहित कुमार, पीड़ित किसान बाइट आशा देवी, पीड़ित महिला बाइट रूप किशोर, पीड़ित किसान। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह रिपोर्ट। हर खबर सबसे पहले देखिए धनगर शक्ति न्यूज यूपी पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार। मेरा नाम रूप किशोर है, ग्राम पालकी है। मन आप खेत पाए हैं तो आप गन्ना कचरा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जी? सर, ये विरोध प्रदर्शन तो आपने खाने पीने के लिए करा जा रहा है, क्योंकि हम परेशान हैं। इस टाइम जो अवैध रूप से नीलामी कर दी गई, इसकी किसी को, किसान को किसी को कोई सूचना नहीं थी, तो इसलिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें ये फसल मिल जानी चाहिए। कितनी फसल काट ली आपके लगभग? ये कोई 20-25 बीघे से ऊपर काट ली इन्होंने। क्या चाहते हैं आप लोग? सर, ये फसल मिल जाए हमें। आपने इसकी अधिकारी से बात करी? हमने जिला स्तर तक सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन सब जगह से हमें निराशा ही मिली है। जी, मेरा नाम रोहित कुमार है। रोहित जी, आप खेत पाए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जी, उसमें ऐसा है जो ये अवैध रूप से नीलामी कराई गई ना, तो इसमें SC वर्ग जो आता है उसी का गन्ना काटा जा रहा है। बाकी ये श्रेणी 3 का जंगल करीब करीब सभी पे, SC पे भी है और चौहानों पे भी है, गडरियों पे भी है, सैनियों पे भी है, सभी पे है। लेकिन ये गन्ना जो काटा जा रहा है सिर्फ SC वर्ग के लोगों का काटा जा रहा है, किसी और जाति को नहीं लिया जा रहा। और जो भी आता है यहाँ तो वो हमारे गन्ने को कहता कि तुम्हारा ही गन्ना काटा जाएगा, बाकी औरों की लगानी है और हमारी लगानियों में से भी गन्ना काटा जा रहा है। हाँ, लगभग कितना गन्ना फसल काट लिया? लगभग अभी जो है एक यानी कि 30 बीघे के आसपास काट ली होगी उन्होंने। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो हमारी फसल इस तरीके से कटी है यो ना कटे, या मुआवजा मिले इसका। हाँ, सभी से करी, ग्राम स्तर से लेके और जिले स्तर तक लेके हमने सभी से, कहीं हमारी सुनवाई नहीं की गई। आशा अगर जी, आपका ये गन्ना काटा जा रहा है, आप इस तरह विरोध कर रहे हैं, क्या पूरा मामला बताइए। मेरे हैंगी 8 लड़की हैंगी मेरी, अच्छा का मैंने कर दिया ब्याह, 3 तैयार हैंगी मेरी ब्याह को, और ब्याह मेरी छत्ती पे हैगा, और गन्ना मेरा फसल में से काटा जा रहा है, और खड़ी खेती काटी जा रही। क्या यो मेरी लौंडी है, इसी रहते को कमा में थी, और इसमें ही ब्याह था, सगाई था, इसमें ही ब्याह बीमारी का था, इसमें खाने पीने का था, इसमें कपड़े लत्ते का था, और यही काला जा रहा था। बताओ क्या, तो हमें तुम तुम दे दो जहर, अन्य तो हम खा ले, हमें हमें बता दो। हाँ, हमने सब जगह गए हैंगे और हमारी कहीं भी सुनाई नहीं हो रही है। क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, हम अपनी फसल चाहते हैं, अपने खोर चाहते हैं।